जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं वैशाख अमावस्या की कथा। आप सभी भक्तों को वैशाख अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। लक्ष्मी नारायण आप सभी के इच्छाओं को पूर्ण करे। अमावस्या तिथि जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि जो कि अमावस्या तिथि होती है, और अमावस्या तिथि का दिन, इस दिन को गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव आदि का पूजन करना, अपने इष्ट देवता का पूजन करना और अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, दान पुण्यों का कार्य करना, यह सब बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। अमावस्या तिथि के दिन इस दिन चाहिए कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। वैशाख के महीने में गंगा स्नान करना जो कि बड़ा ही पुण्य फल दायी माना गया है। वैशाख महीने में गंगा स्नान करते हुए भगवान विष्णु का पूजन अगर करते हैं, दान पुण्यों का कार्य करते हैं, तो इससे व्यक्ति के कई जन्मों के पाप और ताप भी नष्ट हो जाते हैं। तो खास करके अमावस्या तिथि के दिन गंगा स्नान करनी चाहिए। अगर गंगा स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके माता गंगा का स्मरण करके, वरुण देवता का स्मरण करके स्नान करे, शुद्ध वस्त्र धारण करके और अपने इष्ट देवता का पूजन करे, कुल देवता का पूजन करे, भगवान शिव के मंदिर में जाकर के भगवान शिव का पूजन करें। अमावस्या तिथि के दिन पीपल वृक्ष के पूजन करने का भी विशेष महत्व माना गया है। पीपल वृक्ष का पूजन करें, पीपल वृक्ष के नीचे जो कि दीपक जलाएं, मंदिरों में दीप आदि का दान करें, गौ को हरा चारा खिलानी चाहिए, मछलियों को जल में तालाब में जो कि आटे का गोली बना करके मछली के निमित्त डाले, जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। इससे भगवान श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आइए सुनते हैं वैशाख अमावस्या की कथा। अगर आप अमावस्या तिथि के उपलक्ष में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्न दान, वस्त्र दान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं वैशाख अमावस्या की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्वदेवी देवता की जय। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में धर्मवर्ण नामक एक ब्राह्मण हुआ करता था। वह ब्राह्मण बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह व्रत उपवास करता और ऋषि मुनियों का आदर करते हुए उनसे ज्ञान ग्रहण करता था। एक बार ब्राह्मण ने किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम स्मरण से ज्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। अन्य युगों में जो पुण्य यज्ञ करने से प्राप्त होता था उससे कहीं अधिक पुण्य फल इस घोर कलयुग में भगवान विष्णु का नाम सुमिरन करने से प्राप्त होगा। धर्मवर्ण ने इसे आत्मसात कर लिया और सांसारिकता से विरक्त होकर सन्यास लेकर भ्रमण करने लगा। एक दिन भ्रमण करते करते वह पितृलोक में जा पहुंचा। वहां धर्मवर्ण के पितर बहुत ही कष्ट में थे। पितरों ने उसे बतलाया कि उनकी ऐसी हालत धर्मवर्ण के सन्यास लेने के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंड दान करने वाला कोई शेष नहीं रहा। यदि तुम वापस जाकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो तो हमें राहत मिल सकती है। साथ ही वैशाख अमावस्या तिथि के दिन विधि विधान से पिंड दान करें। धर्मवर्ण ने उन्हें वचन दिया कि वह उनकी अपेक्षाओं को अवश्य पूर्ण करेगा। इसके बाद धर्मवर्ण अपने सांसारिक जीवन में वापस लौट आया और वैशाख अमावस्या पर विधि विधान से पिंड दान करके अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। इस प्रकार से
जो भी अमावस्या तिथि के दिन अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण पिंडदान आदि का कार्य करते हैं, दान पुण्यों का कार्य करते हैं, इससे पितृ देवता अति प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।